बलरामपुर की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने 48 घंटे पहले हुए हत्या का खुलासा किया है और इसके साथ हत्या में लिप्त 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें बलरामपुर के गढ़ी थाने में स्थित गांव छुआंग मछौली में एक वृद्ध की हत्या कर दी गई थी। हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं उसके ही गाँव का अपराधी था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 1992 तक धर्मपाल वर्मा और गांव के हित के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें त्रिभुवन को काफी चोटें आई थी जिससे वो आज तक चल फिर नहीं सका। इसी बात को लेकर आरोपी कन्हैया उर्फ गोली पुत्र थे उनके मन में प्रतिरोध की ज्वाला धधक रही थी जिसके बदले की भावना से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया और बीते 16 जून को मृतक धर्मपाल का कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिया। हत्या में इस्तेमाल किए गए सामानों में कुल्हाड़ी फावड़ा नाजायज देसी बंदूक और एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपियों पर थाना कोतवाली गैसड़ी में धारा 302 के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। गैसड़ी जिसमें गांव है सुझाव सुगांव मझौली वहां पर एक धर्मपाल नाम के व्यक्ति की रात में हत्या कर दी गई थी। धर्मपाल रात में अपने बाघ की रखवाली के लिए बाग में चारपाई पर लेटा था तो रात में किसी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इन लोगों की पंचायत गांव के और भी कई लोग थे पंचायत में ये फिर डिसाइड हुआ इसने गोली ने स्वीकार किया कि हाँ हमने पैसा निकाला था लेकिन उसने कहा पैसा हम दे देंगे। इसी में ही जो धर्मपाल जो था धर्मपाल का भाई था धर्मपाल को भी लगा हमने भी अपना पूरा अकाउंट का काम इसको दे रखा है तो हो सकता हो ये हमारे अकाउंट से भी पैसा निकाल रहा हो तो उसने और ये सच्चाई भी थी कि इसने जो मृतक था मृतक के अकाउंट से भी पैसा निकाला था इसने। तो इसको रात में जब ये हुआ कि धर्मपाल ने कहा कि हम दूसरे दिन हम अगले दिन जा कर के हम बैंक में अपना पूरा अकाउंट चेक करेंगे तो ये रात में और घबरा गया। उसके बाद फिर अफरा तफरी में इन लोगों ने रात में ही प्लानिंग की और भुर्रे को बुलाया मुन्ना जो इसका रिश्तेदार था उसको बुलाया और इसका एक भांजा आया हुआ था अजीत जो कि बॉम्बे से लौटा था इनको बुलाया और उसके बाद इन लोगों ने रात में फिर कुल्हाड़ी से उस मृतक की हत्या कर दी।